नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे महामहिम यानी कि राष्ट्रपति, जो कि हमारे देश के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को रखते हैं यानी कि उच्चतम संवैधानिक पद पर ये विराजमान होते हैं, तो इनके रिटायरमेंट के बाद इनको रिटायरमेंट पक्ष के रूप में यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, इनको पेंशन के कितने पैसे मिलते हैं और अलग अलग तरीके के जो अलाउंसेस दिए जाते हैं उसके तहत इनको कितने पैसे दिए जाते हैं, इनको किस तरीके का रेसिडेंस प्रोवाइड किया जाता है, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इनको ट्रैवल के ऊपर है ना, ट्रेन के अंदर फर्स्ट क्लास का टिकट वगैरह हो या फिर फ्लाइट के अंदर फर्स्ट क्लास का टिकट हो, वो इनको कितने में पड़ता है। तो ये तमाम बात की जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम एक नज़र डाल लेते हैं हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति के है ना ऊपर यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे उनका तो नाम आप जानते ही होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो दूसरे थे दोस्तों वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। और साथ में ये जो हमारे यहाँ पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है, वो इनकी ही याद में मनाया जाता है, क्योंकि ये हाईली इंटेलेक्चुअल इंसान भी थे, यहाँ पे प्रोफेसर भी रह चुके थे। अगर जो हम तीसरे फॉर्मर प्रेसिडेंट की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आता है। चौथे की बात करें तो श्री वीवी गिरी का नाम आता है। उनके बाद श्री फरखुद्दीन अली अहमद आते हैं। उसके बाद श्री नीलम संजीव रेड्डी आए थे। उनके बाद ज्ञानी जैल सिंह। उनके बाद श्री आर वेंकट रमन। उसके बाद आए थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उनके बाद श्री के आर नारायणन। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। उनके बाद यहाँ पे बनी स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उनके बाद यहाँ पे प्रणब मुखर्जी बने। यहाँ पे आप एक नाम मिसिंग देख रहे होंगे है ना, श्री रामनाथ कोविंद जी। और अब यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति कौन है तो द्रौपदी मुर्मू। तो हम यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट को लेकर यहाँ पे है ना इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे दी जाती है। लेकिन उससे भी पहले दोस्तों यहाँ पे हम एक नजर डाल लेते हैं यहाँ पे है ना कि जो ये राष्ट्रपति बने थे इनका किस है ना पॉलिटिकल पार्टी से है ना कह लीजिए कि यहाँ पे रिलेशन था दोस्तों। तो अगर जो हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, तो आप देख सकते हैं ये बिहार से बिलोंग करते थे यहाँ पे है ना, और साथ में यहाँ पे जो इनका फॉर्मर ऑफिस था प्रेसिडेंट के पहले, ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर को संभालते थे, और ये आपको बता दे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पे बिलोंग करते थे दोस्तों यहाँ पे है ना। उनके बाद यहाँ पे आए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये किसी भी पार्टी को यहाँ पे बिलोंग नहीं करते थे, ये इंडिपेंडेंटली ही इनको यहाँ पे राष्ट्रपति बनाया गया। जाकिर हुसैन भी कुछ इसी तरीके से थे कि इंडिपेंडेंटली बनाए गए यहाँ पे। और यहाँ पे आप नजर डाल रहे होंगे तो जो यहाँ पे वेंकट गिरी है वो एक्टिंग यहाँ पे रहते हैं ना, क्योंकि इनका कार्यकाल महज कुछ ही दिनों का रहा। आप देख सकते हैं महज 78 दिनों का दोस्तों यहाँ पे है ना, तो कह लीजिए कि यहाँ पे एक है ना कुछ ही दिनों के लिए राष्ट्रपति बनाए गए थे, फुल फ्लेजेज ये नहीं रहे थे है ना एक्टिंग में। और यहाँ पे आप हिदायतुल्ला का नाम देख रहे होंगे, लेकिन हम उन पर गौर नहीं करेंगे जो यहाँ पे फुल फ्लेजेज राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभाला, उनके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं। उनके बाद वेंकट गिरी की अगर जो बात करें तो ये ओडिशा को बिलोंग करते थे यहाँ पे, ये भी किसी पार्टी से बिलोंग यहाँ पे नहीं करते थे दोस्तों, आप यहाँ पे ब्लैंक देख सकते हो। फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें यहाँ पे तो ये अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पे बिलोंग करते हैं। और ये ऐसा ही होता है कि है ना जिस पार्टी का सत्ता होता है ना, सत्ता में कह लीजिए कि जिनका सरकार होता है, जिस पार्टी का जो राष्ट्रपति भी बनाए जाते हैं वो उसी पार्टी को अक्सर बिलोंग करते हैं। अगर जो हम फिलहाल बात करें तो जो द्रौपदी मुर्मू है वो भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करेगी, और इनके पहले जो रामनाथ कोविंद है वो भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को ही बिलोंग करेंगे, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पे है ना पिछले साल यहाँ पे 50 सालों में लगातार कांग्रेस पार्टी ही यहाँ पे कह लीजिए कि रूल करती आई, इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे अधिकांश जो यहाँ पे पार्टियाँ हैं वो यहाँ पे आपको है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही मिलेगा। बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नीलम संजीव रेड्डी यहाँ पे है ना, जो कि जनता पार्टी को यहाँ पे बिलोंग किया करते थे दोस्तों यहाँ पे है ना, जो कि आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बनी। उनके बाद यहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह की यहाँ पे अगर जो हम बात करें है ना, तो इनका किस पार्टी से यहाँ पे ताल्लुक था दोस्तों है ना, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, ये तमाम यहाँ पे जो थे KR नारायणन, ये सब के सब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही बिलोंग करते थे। APJ अब्दुल कलाम की बात करें यहाँ पे तो इनको इंडिपेंडेंटली यहाँ पे बनाया गया था, क्योंकि इन्होंने जो हमारा यहाँ पे है ना
अंतरिक्ष में, यहाँ पे जो हम किस तरीके से अपने अंतरिक्ष यान को भेज सकते हैं, यहाँ पे हमारा स्पेस पावर क्या है यहाँ पे, है ना। वो दुनिया अगर जो देख पाई तो वो APJ अब्दुल कलाम की मदद से देख पाई, जो अग्नि का पूरा यहाँ पे है ना इन्होंने उड़ान यहाँ पे है ना करवाया था दोस्तों। उसके बाद प्रतिभा देवी सी पाटिल, ये भी अगेन यहाँ पे आपको है ना इंडिपेंडेंटली ही आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रणब मुखर्जी की अगर जो हम बात करें है ना, तो इनका किस पार्टी से ताल्लुक है दोस्तों यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस। रामनाथ कोविंद की बात करें तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, और द्रौपदी मुर्मू की भी बात करें यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा यहाँ पे कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनको जो सुविधाएं दी जा रही है ना, तो उसके लिए उनको जीवित भी होना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर जो हम बात करें तो रामनाथ कोविंद जी जो कि अभी यहाँ पे है ना, जिनका बर्थ 1945 में हुआ था, वो अभी तक यहाँ पे जीवित है, तो इनको ये सुविधाएं दी जा रही होगी। और जो करेंटली है वो तो अभी है ही यहाँ पे है ना, जो कि राष्ट्रपति भवन में यहाँ पे इनका रेसिडेंट है दोस्तों। प्रणब मुखर्जी का यहाँ पे 2020 में ही निधन हो गया था, तो कह लीजिए कि है ना एक रामनाथ कोविंद पे आप गौर कीजिएगा। और दूसरा जो आप गौर कर सकते हो दोस्तों वो है यहाँ पे प्रतिभा देवी सी पाटिल है ना। तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट को क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं दी जाती है उनके रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे, तो ये जो सुविधाएं अगर जो अभी कोई है ना इस्तेमाल कर रहा है तो किन के द्वारा किया जा रहा है, एक प्रतिभा देवी सी पाटिल के द्वारा किया जा रहा है और एक यहाँ पे रामनाथ कोविंद के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हम गौर करेंगे यहाँ पे रामनाथ कोविंद का एग्जाम्पल लेकर समझेंगे यहाँ पे कि उनको किस तरीके से यहाँ पे सुविधाएं दी गई जब उनका यहाँ पे रिटायरमेंट हो जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना सबसे बड़ी यहाँ पे जो बात आती है वो पेंशन को लेकर आता है यहाँ पे, आखिरकार पेंशन के रूप में यहाँ पे इनके रिटायरमेंट के बाद इनको कितने पैसे दिए जाते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना जितने भी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं है ना उनके लिए यहाँ पे उनको जीवित होना पड़ेगा, ये कह लीजिए कि पोस्ट थॉमसली यहाँ पे उनके परिवार को ऐसा देने का कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। तो आप देख सकते हैं 2,50,000 रुपया है ना जो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पे दिया जाएगा। तो इसका भी फायदा किनके द्वारा उठाया जा रहा है, तो एक प्रतिभा देवी सी पाटिल हो गए और यहाँ पे दूसरा रामनाथ कोविंद। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था दोस्तों, ये पहली बार 2008 में ही था कि यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट का जो पेंशन का जो प्राइस है उसको बढ़ाकर 2,50,000 रुपया कर दिया गया। पहले ये महज कितना था दोस्तों, 50,000 रुपया था यहाँ पे है ना। तो 2008 में ऐसा क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं कि 2008 में प्रेसिडेंट्स इमोल्यूमेंट एंड पेंशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके तहत इनका जो पेंशन प्राइस है उसको 50,000 से बढ़ाकर 2,50,000 रुपया कर दिया गया दोस्तों यहाँ पे। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं उनको और कई तरीके के यहाँ पे जो अलाउंसेस है, जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड किया जाता है ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि उनका सर्विस स्टाफ कैसा होता है, उनको हेल्थ केयर सुविधाएं किस तरीके से दी जाती है, ये तमाम बात की जानकारी हम इस वीडियो में यहाँ पे लेंगे दोस्तों यहाँ पे है ना। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं वो उनका जो निवास स्थान होता है, जो रेसिडेंट कहाँ पे होता है, राष्ट्रपति भवन में होता है, वही इनका ऑफिशियल रेसिडेंट होता है। लेकिन जैसे ही इनका कह लीजिए कि यहाँ पे है ना रिटायरमेंट हो जाते हैं यहाँ पे जैसे ही, तो इनको यहाँ पे ये राष्ट्रपति भवन को वैकेट करना पड़ता है ताकि जो अगले राष्ट्रपति यहाँ पे जिनको बनाया जा रहा है वो इस है ना राष्ट्रपति भवन में निवास कर सके दोस्तों यहाँ पे है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर जो हम बात करें रामनाथ कोविंद जी का यहाँ पे है ना, जो कि द्रौपदी मुर्मू से पहले यहाँ पे राष्ट्रपति थे, तो उनका जो है ना कह लीजिए कि कार्यकाल खत्म होता है 24 जुलाई 2022 को ख़त्म हो गया, यानी कि उनको उस दिन यहाँ पे अब वैकेट करना था ताकि द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में अब शिफ्ट कर सके दोस्तों यहाँ पे है ना। आप देख सकते हैं कि ही हैज़ टू वैकेट द राष्ट्रपति भवन टू अलाउ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ऑक्यूपाई द पैलेस है ना, इस नए पैलेस को इस है ना यहाँ पे कह लीजिए कि राष्ट्रपति भवन को ऑक्यूपाई किया जा सके नए राष्ट्रपति के द्वारा, ताकि फॉर्मर राष्ट्रपति को यहाँ पे है ना कह लीजिए कि उसको छोड़ना पड़ता है। आप देख सकते हैं दोस्तों अब यहाँ पे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आ गए वो तो अब यहाँ पे कह लीजिए कि राष्ट्रपति भवन को तो छोड़ दिए, लेकिन उनको Type 8 गवर्नमेंट एकोमोडेशन के तहत यहाँ पे बंगलो दिया जाता है। अगर जो हम रामनाथ कोविंद की बात करके चले यहाँ पे, तो जैसे ही इनका कार्यकाल खत्म हुआ यहाँ पे 24 जुलाई 2022 को, तो इनको अलॉट किया गया है ना 12 जनपद का यहाँ पे जो बंगलो है जिसके अंदर 8 रूम था वो इनको यहाँ पे दिया गया दोस्तों है ना। रामनाथ कोविंद के पहले ये जो बंगलों को यहाँ पे कह लीजिए कि ऑक्यूपाई किया गया था वो जो लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ है और साथ में यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान है ना, जो कि बिहार को ही बिलोंग करते थे, इनके बेटे चिराग पासवान आज आपको यहाँ पे है ना LJP पार्टी का मेन अध्यक्ष के रूप में आपको नजर आ रहे होंगे, तो जिनका यहाँ पे निधन 2020 में हो गया, तो इन्हीं के द्वारा इस बंगलों को ऑक्यूपाई किया जाता था। यही बंगलों किनको दिया गया यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे रामनाथ कोविंद को दिया गया। द बंगलो वॉज देन अलॉटेड टू अश्विनी वैष्णव, उसके बाद आप देख सकते हैं उस किनको दिया गया, तो अश्विनी वैष्णव को दिया गया जो रेलवे मिनिस्टर है। उसके बाद आप देख सकते हैं है ना
साथ में, लेकिन आप यहाँ पे एक गौर कीजिएगा कि अश्विनी वैष्णव यहाँ पे उसमें शिफ्ट नहीं हुए। कोविंद विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विथ 2 लैंडलाइन। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फॉर्मर प्रेसिडेंट को क्या दिया जाता है, एक तो हो गया कि है ना टाइप 8 गवर्नमेंट एकोमोडेशन के तहत उनको एक बंगलो दिया जाएगा जिसमें यहाँ पे मिनिमम 8 रूम तो यहाँ पे होंगे ही होंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनको 2 लैंडलाइन दिया जाता है यहाँ पे, है ना, ताकि इमरजेंसी के वक्त यहाँ पे वो कह लीजिए कि यहाँ पे बात कर सके। इसके अलावा है ना 2 लैंडलाइन के अलावा एक मोबाइल फोन दिया जाता है, इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे हाई स्पीड के साथ दिया जाता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर की भी सुविधा यहाँ पे मुहैया कराई जाती है दोस्तों। आप इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो इनको कह लीजिए कि एज अ सिक्योरिटी के तौर पर इनको उपलब्ध करवाया जाता है ताकि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके यहाँ पे, है ना। तो इनकी किसकी जिम्मा यहाँ पे होती है, दिल्ली पुलिस की होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना एक कार और एक ड्राइवर है ना जो कि 24/7 इनकी सर्विस में रहेगा। जब भी इनका इच्छा होगा कहीं जाने का हो तो उसके लिए वो ड्राइवर और वो कार यहां पे हमेशा इनके सामने हाजिर होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि बंगलों के अलावा लैंडलाइन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्री वाटर हो गया। इसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा इनको सिक्योरिटी भी यहां पे उपलब्ध करवाया जा रहा है और साथ में एक कार और ड्राइवर भी इनको उपलब्ध कराया जाता है जो कि 24/7 इनकी सर्विस में लगा हुआ होता है दोस्तों। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट का भी यहां पे सुविधा उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा और सबसे मेन जो यहाँ पे फीचर आता है दोस्तों कि है ना फॉर्मर प्रेसिडेंट का जब भी इच्छा हो, है ना, चाहे ट्रेन से सफर करने का इरादा हो या फिर प्लेन से सफर करने का इरादा हो, इनको बिल्कुल फर्स्ट क्लास का टिकट फ्री में उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही विल गेट फ्री फर्स्ट क्लास रेल एंड फ्लाइट टिकट व्हेन एवर, जब कभी भी ही विशेस टू ट्रैवल, है ना, जब भी इनको कहीं से भी कहीं जाने का कह लीजिए कि ट्रैवल करने का इच्छा होता है तो इनको फ्री फर्स्ट क्लास टिकट यहाँ पे बिल्कुल मिल जाता है दोस्तों, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, दिस इज़ नॉट ऑल, द फॉर्मर प्रेसिडेंट अस्पाउस यानी कि इनकी जो वाइफ होती है, अगर जो कोई फीमेल प्रेसिडेंट है तो इनके हस्बैंड को और अगर जो कोई मेल प्रेसिडेंट है तो इनकी वाइफ को, है ना, इनको भी यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएँ दी जाती है। अगर जो हम पैसे की बात करें तो 30,000 रुपया पर मंथ यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाता है दोस्तों जो फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं उनके अस्पाउस को। तो मेन रूप से यहां पे यही था, इन तमाम तरीके के यहां पे सुविधाएं दी जाती है फॉर्मर प्रेसिडेंट को यहां पे, है ना, और उनके स्पाउस को 30,000 रुपया दिया जाता है, है ना। एक बार आखिरी बार एक बार और आप यहां पे नजर डाल लीजिएगा कि हमारे, है ना, स्वतंत्र भारत के पूर्व में कौन कौन से यहाँ पे राष्ट्रपति हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद होता है दोस्तों वो इंडिया जैसे देश में हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट माना जाता है यानी कि उच्चतम संवैधानिक पोस्ट होता है, इनसे ऊपर किसी और को यहाँ पे नहीं माना जाता है। और प्लस साथ में जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं, फर्स्ट सिटीजन भी कहलाते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी पूर्व राष्ट्रपति के बारे में जानकर, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती है एज अ रिटायरमेंट पक्ष के रूप में यहाँ पे, तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा यहाँ पे, है ना। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ सी नेक्स्ट वन, बाय बाय।